अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी टू वर्ड ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट इसलिए बिकॉज दिस इज़ वेर वी गेट टू एक्सप्लोर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ वर्ल्ड प्रेस क्योंकि वर्ल्ड प्रेस इज़ एन अमेजिंग मीडिया मैनेजर और जिस तरह हमने शुरू में भी कहा कि इट्स अ सी एम एस वट इज़ अ सी एम एस अ सी एम एस इज़ अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम जितना ज़्यादा कॉन्टेंट होगा उतना ज़्यादा ये सी एम एस अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में कॉन्टेंट को मैनेज कर सकेगा सो दिस इज़ वेयर वील गेट टू लर्न ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी लेकिन एक गैलरी होती क्या है वट एग्जैक्टली इज़ अ गैलरी अ गैलरी इज अ कलेक्शन ऑफ इमेज बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके फ़ोन में देर इज़ एन इमेज और अ फोटो गैलरी जिसपे आप अपनी सारी फोटोज अपने सारे इमेज एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी एक इमेज गैलरी की एक गैलरी इज बेसिकली अ प्लेस वेर यू कैन सी मल्टीपल फोटोज और मल्टीपल इमेज एट द सेम टाइम इसी तरह जो वर्डपेस की इमेज गैलरी है इट इट परफॉर्म्स प्रटी मच द द सेम फंक्शन बट क्वेश्चन जो आपके जेन में आ रहा होगा वो ये कि हम इमेज गैलरी एड कैसे कर सकते हैं एज ऑलवेज जिस तरह हम आपको एक डीप लेवल पर चीज़ें बता रहे हैं सिखा रहे हैं हम आपको इमेज गैलरी भी ऐड करना इतने ही तरीके से सिखाएंगे आपने सबसे पहले जाना है एक पोस्ट पे क्लिक करना है या एक पेज पे क्लिक करना है जिसको आप नया पेज या नया पोस्ट क्रिएट करना भी कहते हैं एंड वहां पे यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज कॉल्ड एड मीडिया एड मीडिया का जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉप अप विंडो खुल जाएगी वहां से यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन ऑन द लेफ्ट साइड विच शोज यू क्रिएट गैलरी

बड़ी गैलरी में नज़र आए किस तरह वो इमेज नजर आए यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एक चीज़ और जेन में याद रखिएगा कि वंस अ गैलरी हैज़ बिन एडिड यू कैन ऑल्सो इट तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही देखें कि गैलरी को किस तरह से आपने बनाना है अगर आप गैलरी में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक पेंसिल का आइकन आपको नजर आएगा और वो पेंसिल का आइकन आपको अलाउ करेगा कि आप उस गैलरी को एडिट कर सकते हैं दिस इज अगेन द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस बीइंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन आपके जेन में आता होगा हाउ मेनी इमेजेस कैन आई ऐड मैं कितने इमेजेस एक गैलरी में ऐड कर सकते हैं यू कैन ऐड एज मेनी इमेजेस एज पॉसिबल अगेन ख्याल रखें कि आपके पास एक सर्टन कैपेसिटी है सो so, और आपके रीडर्स के पास एक सर्टन मेंटल कैपेसिटी आपके कॉन्टेंट को देखने की पढ़ने की सो ट्राई टू हैव अ फाइनाइट नंबर एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करें इज़ एडिंग कैप्शन अ गुड आइडिया ये क्वेश्चन आपके और जेन में आएगा एडिंग कैप्शन इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज सर्च इन ऑप्टमाइजेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वट इज़ द रियल यूज़ ऑफ अ गैलरी एक गैलरी का असल मकसद क्या है सो गैलरी कैन बी यूज़ फॉर मैनी थिंग्स सोचें आप एक फोटोग्राफर हैं और आपने उसके इमेज बहुत ज़्यादा दिखाने हैं या आपने अपनी एक टेक वेबसाइट है जिसमें आप कोई फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं उसके इमेज दिखाने हैं दैट्स वी यू कैन एड अ गैलरी एक और क्वेश्चन वाई डोंट आई यूज़ अ फीचर्ड इमेज इंस्टेड ऑफ अ गैलरी बिकॉज बोथ ऑफ दैम सर्व डिफरेंट फंक्शंस फीचर्ड इमेज इज वन इमेज इट शोज ऑन द टॉप एक गैलरी जो है वो आपको मल्टीपल दिखाती है सो लेट्स गो टू my WordPress website वेबसाइट I आई लव इट्स कॉल्ड डी हम डायरेक्ट इसको लॉगिन करेंगे और यहां से वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट और पोस्ट और पेज में वी हैव option टू क्रिएट अ न्यू गैलरी सो लेट मी क्लिक ऑन पोस्ट और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गैलरी एड करने के लिए यूनी टू क्लिक ऑन दीडिया बटन सो पहले तो मैं इस पोस्ट का एक कोई टाइटल दे देता हूं दिस इज अमेज गैलरी पोस्ट यू विल सी अ गैलरी ऑफ इमेज और यहां पर आई क्लिक ऑन एड मीडिया एंड यहां पर आप देख रहे हैं ये जो तो विंडो खुली हैव दू क्रिएट गैलरी सो so, मैंने क्रिएट गैलरी पे क्लिक किया और अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वो वो इमेजेस जो मैंने इस गैलरी में डालनी है ये टोटली totally मुझ पर मैंने किस तरह के इमेजेस डालनी है, ऑप्शन सिलेक्ट करना मुझ पर है सो लेट्स सी आप ये भी देखेंगे कि एक सर्टन इमेज uh, एक सर्टेन मंथ से पुराने हो अगर तो उससे भी मैं सिलेक्ट करके गैलरी क्रिएट कर सकता हूँ सो आईल रैंडमली सिलेक्ट दिस कॉफी दिस बर्गर

कि ये इमेजेस आपकी गैलरी में सिलेक्ट हुए आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू गैलरी एंड अब आप देखेंगे कि उसने मेरे लिए एक नई गैलरी क्रिएट कर दी है जिसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर इमेजेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट हो गए आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ऑर्डर ऑर्डर में का चेंज कर सकता हूं मै क्लिक इन रिवर्स ऑर्डर आई कैन ऑल्सो एड अ कैप्शन सो मैं आप जो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी वही कैप्शन में ऐड करूंगा बूट्स ऑन माउंटेन्स शो फ्रीडम गर्ल विद लैपटॉप मेकिंग मनी गुड फूड गुड कॉफी और अगर मैं एक्स दबाऊं तो मैं uh, एक पर्टिकुलर इमेज को डिलीट भी कर सकता हूं या um, yeah, अगर मैं एक पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सिलेक्ट कर सकता हूं एंड क्लिक विल डी सेलेक्टेड लिंकिंग की ऑप्शन भी मेरे पास यहां पे अवेलेबल है कि मैं लिंक किस इमेज से उसको करना चाह रहा हूं उसके अलावा अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं कॉलम्स भी कर सकता हूँ टू कॉलम्स एंड आई सिलेक्ट मीडियम साइज एंड आई सेलेक्ट इन गैलरी अब आप देखें दिस इज अवटिफुल गैलरी दैट हैज बिन एडिड आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट एंड सेव ड्राफ्ट करने के बाद मैं आपको ये लाइव गैलरी हमारी वेबसाइट पे दिखाऊंगा विच इज़ डिजी स्किल साध हामिद तो आप देख सकते हैं कि नाउ दिस गैलरी इज लाइव इट हैज़ कैप्शन इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड क्योंकि मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था कि इसके अटैचमेंट पेज से इसको लिंक करना है तो अगर मैं क्लिक करूंगा इट विल लीड मी टू इट्स अटैचमेंट पेज साथ ही साथ अगर मैं इस गैलरी को एडिट करना चाह रहा हूँ तो आई कैन रिमूव एन इमेज आई कैन अपडेट द गैलरी एंड इट विल

सो so, ये प्लग इन ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा बिकॉज दिस प्लग इन विल गिव यू दी अपॉर्चुनिटी टू एन्हैंस योर वर्ल्ड प्रेस गैलरी इस तरह के बेतहाश और प्लग इन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू एनहैंस द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वर्ड प्रेस वेबसाइट इन स्पेसिफिकली इमेज गैलरीज याद रखिएगा इमेज गैलरीज कैन बी एडिड एनी वे फ्रॉम योर पोस्ट टू योर पेजेस टू योर कस्टम पोस्ट सो यूज गैलरीज मेक योर साइट मोर ब्यूटिफुल मेक योर साइट मोर अपीलिंग So you can get more traffic and you can make more money.